आरएसएस के वरिष्ठ नेता रामलाल ने भी वोट डाला। रामलाल ने आनाइन टीवी से की खास बातचीत। दिल्ली में कागज दिखाने वालों की जीत होगी। रामलाल, दिल्ली में राष्ट्रवाद की जीत होगी, रामलाल का कहना है। इंजन उसका नहीं है, प्रश्न इसका है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की सरकार बहुत सारा सहयोग दिल्ली के लिए करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र से मिलकर चले। केंद्र से लड़कर चलने वाली सरकार दिल्ली का विकास नहीं कर पाएगी। सर, 4.5 साल तक काम नहीं हुआ और 6 महीने में सब केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी। अब ये अलग अलग दलों की अलग अलग मानसिकता है, उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। कागज को लेके खास तौर पे बात हो रही है कि कागज दिखाने और ना दिखाने के लिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कागज दिखाएगा वही वोट कर पाएगा, तो जो कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, उन्हें या तो अपना कागज दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो कागज न दिखाने वाली मानसिकता आज हारेगी, कागज दिखाने वाली मानसिकता ही आज जीतेगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे रामलाल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कागज न दिखाने वाली मानसिकता आज हारेगी और कागज दिखाने वाली मानसिकता जीतेगी। कैमरामैन विवेक के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।